मनी हेल्थ शो में मैं मीनाक्षी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सेहत से जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वेल, हम सब जानते हैं एक फीमेल के लिए सबसे खूबसूरत लम्हा होता है जब वो मदरहुड को एम्ब्रेस करती है, और आज इसी टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ है डॉक्टर ऋचा गुप्ता जो की गायनेकोलॉजिस्ट है, 20 साल का इनको अनुभव है, और एज अ कंसल्टेंट ये कृष्णा फैमिली हॉस्पिटल एंड इनफर्टिलिटी सेंटर जो कि इंदिरापुरम में है प्रैक्टिस कर रही हैं। सो हेलो डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। सब जानते हैं कि जो लेबर पेन होता है वो वन ऑफ द मोस्ट सीवियर पेन होता है। कई जगह मैंने ये भी पढ़ा था कि एक साथ अगर 20 हड्डियां टूट जाएं उतना ज्यादा वो पेन होता है। वेल, आज हम बात करने वाले हैं पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी की, आपका इसमें क्या कहना है? या बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लेबर पेन्स इज वन ऑफ द मोस्ट सीवियर पेन, सबसे ज्यादा पेन्स जो इंटेंसिटी होती है वो लेबर पेन की ही होती है। और बहुत आजकल चेंजिंग लाइफस्टाइल और बहुत कुछ चीज़ें बदल गई हैं, इसकी वजह से आजकल नॉर्मल डिलीवरी से लोग घबराते भी हैं। सो दे वांट अ नॉर्मल डिलीवरी बट दे डोंट वांट पेन्स, सो दे से कि मैम मुझको नॉर्मल डिलीवर करना है बट आई एम अफ्रेड ऑफ पेन्स। सो द मॉडर्न साइंस हैज रियली यू नो प्रोग्रेस सो मच today we have this facility of painless normal delivery. Yeah, this is possible now. क्योंकि इवन मेरे लिए भी बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही सरप्राइजिंग था, क्योंकि जो लेबर पेन का एक खौफ है वो आई थिंक हर एक फीमेल के अंदर रहता ही रहता है। सो मैम, मेरा दूसरा सवाल ये होगा आपसे, आई थिंक बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि क्या ये प्रोसीजर सेफ है? ऐसा तो नहीं कि बाद में चल के कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या कुछ साइड इफेक्ट्स हैं इसके? इसको हम पेनलेस लेबर पेन्स का जो प्रोसेस है वो इट इज़ वेरी सेफ। सो वी गिव अ स्पेशल एनेस्थीजिया विच इज़ कॉल्ड एज एपिड्यूरल एनेस्थीजिया। एपिड्यूरल एनेस्थीजिया के थ्रू हम जो लेबर की इंटेंसिटी है उसको 70-80% तक रिड्यूस कर सकते हैं। वाओ, जो लेबर पेन्स आते हैं उसकी जो कितने ज़्यादा फील हो रहे हैं किसी लेडी को, उसको 70% तक रिड्यूस किया जा सकता है। उसमें एक जैसे हमारा एक हेयर होता है, बाल होते हैं हमारे, उसके जितना एक बहुत ही थिन नीडल एक स्पाइन में लगती है जिसके थ्रू एक बहुत फाइन कैथेटर डाल के ड्रग हम देते हैं, जिसकी वजह से पेन्स आपको आएंगे बट फीमेल को उसको फील नहीं होंगे। मतलब कॉन्ट्रैक्शन होंगे यूट्रस के, यूट्रस विल कॉन्ट्रैक्ट, बेबी विल बी पुश डाउन, बच्चा नीचे की तरफ आएगा, लेकिन वो जो फीलिंग ऑफ पेन होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। सो इट इज़ वेरी सेफ एंड इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन स्पेशली फॉर फीमेल्स, उन लेडीज के लिए जो पहली बार डिलीवर कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है, बिकॉज वो उतनी लेंथ तक एंड्योर नहीं कर पाते कभी कभी। लेबर पेन्स जनरली 10-12 hours चलते हैं, तो कुछ लोग बिकॉज ऑफ पेन्स दे लाइक दे से कि नो नो वी वांट टू गो फॉर सिजेरियन सेक्शन। राइट राइट, एंड मैम सुन के लग रहा है अगर 70% पेन कम हो गया सो मतलब इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है, मैं तो यही कहूंगी। सो अच्छा, ऐसा भी है कि अगर बाई चांस जो मदर है अगर उसको सपोज डायबिटीज है या अगर ब्लड प्रेशर है या अगर कोई और प्रीवियस मेडिकल कंडीशन रही है तो क्या ऐसे में ये प्रोसीजर नहीं किया जा सकता? क्या ऐसी भी कोई लिमिटेशंस हैं? सो सपोजिंग सम जो कुछ लोगों को अगर स्पाइनल प्रॉब्लम है या फिर उनको हिस्ट्री ऑफ स्पाइनल एनेस्थीजिया के थ्रू उनको हेडेक की हिस्ट्री है बहुत सिवियर, या फिर बच्चे को ही प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर या जेस्टेशनल डायबिटीज, इसमें जेस्टेशनल डायबिटीज अगर प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए तो बेबी का साइज कभी काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो एज इट इज़ नॉर्मल डिलीवरी बिकम्स लिटिल टीडियस, तो उस केस में ऐसे लोगों को हम अवॉइड करते हैं। और जैसे हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी में कुछ लोगों को बीपी हाई हो जाता है, तो इस केस में बहुत लंबा ड्यूरेशन ऑफ लेबर पेन्स हम नहीं चाहते, तो कुछ जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं
अगर उसमें कोई भी एडेड कॉम्प्लिकेशन है, कॉर्ड राउंड द नेक है, या फिर अगर बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो उसमें हम अवॉइड करते हैं ऐसे स्पाइनल एनेस्थीसिया, और स्पाइनल एनेस्थीसिया तो नहीं सॉरी, पेनलेस डिलीवरी को हम अवॉइड करते हैं। सो मैम, कई जगह मैंने ये पढ़ा था कि जो बाकी प्रोसेस ऑफ डिलीवरी होते हैं, जैसे कि सी सेक्शन हो गया या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो गई, उसमें कई बार इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन इस पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा नहीं है। क्या ये सच है या फिर जस्ट एक मिथ है? सो आई विल से कि कोई भी आप जब ऑपरेशन करते हैं तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, बट बिकॉज पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी में वी आर कंडक्टिंग अ नॉर्मल डिलीवरी विच इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है डिलीवर करने की, नेचर का तरीका है। उसमें बस हम थोड़ा सा ही इंटरवेंशन कर रहे हैं कि उसको हम पेनलेस बना रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका उसमें इन्फेक्शन के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। मतलब मैं तो कहूंगी एक तरह से चमत्कार ही हो गया कि जो लेबर पेन है वो भी कम होगा, इन्फेक्शन की चांसेस भी कम होंगी, पेन भी कम होने वाला है। अच्छा, एक चीज मैंने और पढ़ी थी मैम, आप मुझे बताना कितना सही कितना नहीं, कि क्या बीपी भी कंट्रोल में रहता है पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी के दौरान? क्या ऐसा भी कुछ है? नहीं, ये एक मिथ है कि डिलीवरी थोड़ा सा फॉल होता है, बट वो एक डिसेप्टिव तरीका है, बिकॉज जो बीपी आपका अंदर ही अंदर जो नुकसान पहुंचा रहा है वो वैसे ही रहेगा। सो ऐसा मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि बीपी आपको है तो आप पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी ऑप्ट करें। देर कैन बी रीजंस दैट यू नो आपके बीपी हाई है इसलिए डॉक्टर आपको ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं, एंड यू शुड फॉलो इट। सो पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी से बीपी कम होता है, ये मिथ है। ये मिथ नहीं है, ये रियलिटी, मतलब ये सच नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट, ओके, थैंक यू सो वेरी मच मैम, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। आई थिंक एक ऐसा टॉपिक था जिसके बारे में मैं खुद जानना चाहती थी, एंड आई एम श्योर बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो जानना चाहते होंगे। थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती है। मैं भी जी मनी टीम को ऑल द बेस्ट एंड गुड विशेस, एंड मे यू ऑल डू वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू। So, जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ यहाँ डॉक्टर थी, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बताया कि मेडिकल फील्ड ने इतनी एडवांसमेंट कर ली है कि जो लेबर पेन है उसे भी अब कम किया जा सकता है अप टू 70%। वेल, इसी नोट पे मैं आज के शो को खत्म कर रही हूँ। नेक्स्ट शो में आऊंगी एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। अगर आपके मन में कोई सवाल है इसी शो को लेके, या फिर अगर आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा।